Hello friends, myself Dr. Urmila Rawat. A warm welcomes in my YouTube channel. Friends, today's topic is what is citation. So please watch the video till the end, and if you like my video, please like, subscribe and share my channels to your friends as well as students. And do not forget to press the bell icon so you will be able to get notification on my latest video. So let's start our today's topic. What is a reference or citation? A way of giving credit for someone's thinking, राइटिंग और रिसर्च. अर्थात फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कार्य करते हैं, हमारी लिखावट है या रिसर्च है, जो हम किसी और के आइडियाज लिए हैं, तो उसे हम थैंक्स गिविंग करते हैं, तो उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं, उसे हम रेफरेंस और साइटेशन बोलते हैं. देन you mark the material when you use it into bracket a citation and give the full identification at the end as a reference. अर्थात जो भी साहित्य हमने जिस author का लिया हुआ है अपने संशोधन कार्य में, उसे संपूर्ण तरह से आभार प्रकट करके हमारे chapter के, हमारे प्रकरण के अंतिम पैराग्राफ में उसे एज अ संदर्भ के तौर पर उसे प्रकट करना. इन एकेडमिक राइटिंग यू आर ऑब्लाइज टू एट्रीब्यूट एवरी पीस ऑफ मटेरियल यू यूज टू इट्स ऑथर. सो व्हाट इज अ साइटेशन? द साइटेशन समराइज बिब्लियोग्राफिक डेटा टू प्रोवाइड योर रीडर, टीचर और स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन टू लोकेट द बुक, वेबसाइट और मैगजीन दैट यू यूज. ये मटेरियल हम किस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि ऑथर, अगर उसके ऑथर या लेखक का नाम दिया गया है तो ऑथर, टाइटल ऑफ आर्टिकल, वेब पेज और एंट्री. थर्ड वन इज पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन, अर्थात प्रकाशित माहिती, जैसे कि पब्लिशर, वेबसाइट, मैगजीन टाइटल, डेट और लोकेशन. देन मीडियम, सो प्रिंट या नॉन प्रिंट या वेबसाइट. देन डेट ऑफ एक्सेस, तो ये सारी सामग्री है वो हमें बिब्लियोग्राफिक डेटा के अंतर्गत देनी चाहिए. सो व्हाई साइट और रेफरेंस, हमें क्यों साइटेशन या रेफरेंस देना चाहिए? क्रेडिट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, अर्थात जो भी लेखक है उसके प्रति आभार प्रकट करना. देन रीडर कैन लोकेट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड. थर्ड वन इज वैलिडेट आर्ग्यूमेंट, अर्थात हमने जो भी आर्ग्यूमेंट किया है, जो भी दलील प्रस्तुत की है, उसको वैलिडेट करने के लिए. देन इंक्रीज एंड स्प्रेड नॉलेज फर्दर, सो डेप्थ, ब्रीथ एंड क्वालिटी ऑफ योर रीडिंग, अर्थात हमने जो भी रीडिंग किया है, उसको हमने जो प्रस्तुत किया है, जिस तरह से हमारे ज्ञान को हमने जो हम लेख लिखा है, उसकी डेप्थ, ब्रीथ एंड उसकी क्वालिटी को प्रस्तुत करने के लिए. सो हाउ इज अ साइटेशन फॉर्मेटेड? फर्स्ट वन इज ईच साइटेशन और एंट्री फॉलोज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, अर्थात कोई भी साइटेशन या संदर्भ हम लिखते हैं तो सभी के कोई ना कोई फॉर्मेट लिखा रहता है. लाइक पंक्चुएशन यूज इन द साइटेशंस डिफाइंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द एंट्री. जिस तरह जिस प्रस्तुत किया गया है पंक्चुएशन मार्क्स के अनुसार, वही उसकी स्टाइल बन जाती है. सो इसलिए फॉर्मेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. देन
The parts of the citation follow a specific order and have their own function. When to cite? Like direct quotes, statistics, studies, theories, facts, interpretations, and paraphrases. So, first one, citation. A citation is an abbreviated alphanumeric expression that is included within the body of a work to denote an entry in the bibliographic reference. This is done in a bid of acknowledge the relevance of the work of the other writer to the topic of discussion at the particular area or location where the citation appears. So, bibliography kya hai wo hum samajhte hain. Bibliography contains all sources that you have used, whether they are directly cited or not. Then, a bibliography includes sources that you have used to generate ideas or read around a topic, but have not referred to directly in the body of the document. So friends, हमें बिब्लियोग्राफी में क्या देना है जो हमने डायरेक्ट रीड किया है, यूज किया है और नहीं किया है, जो हम डायरेक्ट प्रस्तुत कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, पर एट द एंड बिब्लियोग्राफी में हमें वो सूचित करना चाहिए. देन रेफरेंस. A reference list called list of work cited contain a complete list of all the sources, into bracket, books, journal articles, website that you have cited directly in a document. Then that means that if there are in text citations for a source, there is a reference list entry and vice versa. So, how? Citation or reference style? First one is, a citation style or reference system is a standardized system for referring to materials used in your writing. Second one is, there are several different citation styles developed independently by professional organization. बहुत सारे ऐसे professional संस्थाएं हैं जिसने citation या संदर्भ लिखने के styles develop किए हैं. University departments generally stipulate which style to use for your subject. अर्थात हम जिस यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट जनरली हमें कौन सा स्टाइल यूज करना है उसके लिए मार्गदर्शन देते हैं. साइटेशन स्टाइल्स. देर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स और फॉर्मेट्स फॉर साइटेशन. व्हिच स्टाइल यू यूज डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट डिसिप्लिन you are working in. अर्थात friends, जिस subject area से आप belong करते हो, तो उस subject से अनुरूप आपको citation style पसंद करनी चाहिए. Major citation are APA, MLA and Chicago. So, thanks a lot, friend. Please like, subscribe and share my channel.